वैसे मुझे उस दिन ट्रिप तो करनी थी, लेकिन वो ट्रिप सुबह के 2 बजे शुरू हो जाएगी, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। या तो आप किसी ट्रिप पे अकेले जा सकते हो या अपने दोस्तों के साथ। मैंने दूसरा वाला रास्ता सिलेक्ट किया। Check the mic and make sure it sound right, boys. हो गई? 3 बजे की? सच में कितने बजे की? 3:30। कुछ कन्फ्यूजन्स का कोई सल्यूशन नहीं होता, जैसे इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग मेंट फॉर द प्लेस आई एम गोइंग। हम लोग निकल गए हैं फाइव जाने के लिए और फिलहाल हम जा रहे हैं मरगा। इस जर्नी में सिर्फ मैं, जैस्मिन और अखलाक नहीं हैं, आगे से और लोग भी जुड़ेंगे और हम सब मिलकर जा रहे हैं पहाड़ों पे, एक ऐसा पहाड़ जो मैप पे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। एडवेंचर पहाड़ चढ़ने से शुरू होता तो अलग बात थी, लेकिन हमारा एडवेंचर तो ट्रेन बदलने में शुरू हो गया था। और यहाँ से इन लोगों को चढ़ गया था सफर का नशा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो ठहरिए, देखिए जरा आगे होता क्या है। अगर वो नहीं आया तो मैं कूद जाऊंगी। अगर मैं कूदूंगी तो तू भी कूद जाना। आ जाती है मत बोर, वो कहाँ जा रहा है? मिलने वाला। ओ यार भाई कब आएगा? टिकट मिली? ये जाने वाली भी नहीं है अंदर पक्का? चल आजा। ट्रेन ही अपनी है, आजा। सो अस्सलाम वालेकुम, हमारी सुबह हुई है वलसाड़ में और हम लोग जा रहे हैं उमरगांव भागते भागते। दे दो सैनिटाइजर। 2 मिनट के लिए तो समझा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, और अभी ट्रेन पूरी प्राइवेट ट्रेन पूरी खरीद ली है बेटा, एक टिकट भी नहीं खरीदी है अभी तक। तो हमारा पहाड़ चढ़ने से पहले ही वर्कआउट हो गया है और वो सारा हरकत हुई इस बंदे की वजह से। दो ट्रेन चेंज करनी थी लेकिन इसको फ्रेम में लेते। क्या था? दो ट्रेन चेंज करनी थी, यहाँ खड़ी थी ट्रेन, यहीं चढ़ गए यहाँ से। बट उसके लिए हम लोग एटलीस्ट 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करके भाग भाग के, ना नींद लिए रात को ना चाय पी। चाय 1 घंटे सो गए। 1 घंटे सो गए। कहते हैं लाइफ में जब जो करने की इच्छा हो ना, तब वो कर लेना चाहिए, वरना फिर रिग्रेट रह जाता है। मुझे भी इफ देयर इज वन थिंग जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा याद आ रही है, वो है ऐसे टाइम पे सुबह सुबह की ट्रेन की खमन। I don't know, forget about hygiene, forget about everything, but आ गया कमर वाला। ए यहाँ पे एसी होनी चाहिए, रिकॉर्ड मत करो मुझे, नो रिकॉर्डिंग नो कैमरा। ट्रेन की टिकट भी ली है आपने? टिकट भी ली है? अभी तक टिकट है यार। ओ ना ना ना, उसका उसका रिएक्शन देख, उसका रिएक्शन देख। सो लूज द ट्रेन इसके लिए ना, वो वर्कआउट गलत हो गया भाई। बात शॉर्ट है क्या? कब से मगज पे चढ़ गए इसको, ये कब से ऐसी हरकतें कर रही है? ठीक तो है। बाय द वे ये है अदिति और ये हमारे साथ वापस से जुड़ा था।
पहुंच गए उमरगांव। अभी भी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस भी साउंड कर रही, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो वैसे पहाड़ है, क्या है, रास्ते में तो पहाड़ दिखे थे, यहाँ है पता नहीं। लेट्स कंटिन्यू जर्नी। कुछ से हमने ट्रेन पकड़ी वलसाड़ की और वलसाड़ से हमने ट्रेन चेंज की और पहुँच गए उमरगांव। अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलकर जाना है वेवजी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक्चुअली है महाराष्ट्र में, और वहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जो पहाड़ है, हम बस उसी को चढ़ने वाले हैं। इस जगह से भाई का एक और दोस्त हमारे साथ आया, हमारे ग्रुप का मेंबर नंबर 5, मतलब अभिलाष का द ट्रैक लीडर। इसी ने तो भाई ये जगह बताई थी। सो दिस इज द फर्स्ट हाइट काइंड ऑफ स्टफ। भाई देखो, जब आप चढ़ते हो ना तो आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाती है, हम तो भागते हुए आते हैं, अब तो चलने में भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ से वापस से 2 रास्ते हैं। देखो अभिलाष, कितना मिनट ले बता दे यार। यहाँ आने के बाद टेक्निकली सिग्नल का अपडेट आया, वेलकम टू महाराष्ट्र। सो या पर्टिकुलरली दिस प्लेस इज नॉट इन गुजरात, इट लाइज समवेयर इन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। यू नो, दुनिया में जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, उन तक पहुँचने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे कीप मूविंग, डोंट गिव अप, स्टे फोकस्ड, हैम द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हाईएस्ट क्लाइम। बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, बट सी ऑल दिस थिंग्स आर ब्यूटीफुल। मैं देखो, लगता है कि यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड ये सब हो सकते हैं। है? क्या यहाँ पे बजाना तू भाई, चल जाना है ऊपर से व्यू देखना है, चलते रहो। पानी दे। नहीं, द वर्स्ट थिंग वी डिड वाज टू नॉट हैव आवर ब्रेकफास्ट, और उसकी वजह से देयर इज लिटरली नो एनर्जी। सो कम अप, मैं मोर तक भाई अपनी स्ट्रेंथ बना, अपनी वीकनेस नहीं। नमस्कार देवी सज्जनों, देखो बॉल ऑलमोस्ट प्ले प्लेन का जी रास्ता कब आएगा बाय द वे, इट इज जस्ट 7:30 नाउ एज वी आर क्लाइंबिंग अप, अ लॉट ऑफ बर्ग्स एंड बीटल्स आर कमिंग ऑन अवे, इवन द रेड वंस। इट मेक्स इट मोर स्कैरी, बट इट मेक्स इट मोर एंड थ्रिलिंग एज वेल। You know guys, trekking is not easy, but that is how it is. Yahan aake sporting karne bol rahe, we almost gave up, like we took halt of 10 minutes or maybe a little less than that, but then we thought agar view idhar se itna rocking hai to aur upar se kitna acha hoga, and we started all over again. It felt easier as we climbed higher. We were at higher altitude, so obviously breathing was not easy, but it was not that high. If Manali and Kasol are dream, then I guess this is nothing. वो जो छोटी सी view था, छोटा सा pleasant view, उसने बहुत ज़्यादा motivate किया, literally. थोड़ा सा break लिया, उसके बाद सब इतना easy लगा, इतना सही लगा। मेरे को लगता है लाइफ में भी यही होता है, जब आप बहुत सैचुरेट हो जाते हो ना
तो आपको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, और जितना आप आए हो आगे उतनी सक्सेस को ना आपको मेजर करना चाहिए। और वहाँ जो ब्रेक लिया ना आपने, दैट पुश यू हायर एंड हायर टिल यू रीच योर फाइनल पॉइंट। क्या सही लग रहा है यार, और दूसरा स्टॉप भी शायद आज है, देखते हैं। बहुत अजीब लग रहा है, ये लोग जब कोई बोलते हुए देखते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है। कुछ लोग कुछ चीजें सिर्फ पैशन के लिए करते हैं। सो बट या एट वन पॉइंट इफ यू फाइंड दैट इट इज इट कैन बिकम योर करियर, देन व्हाई नॉट। अबे यार मेरे को मत बता, मेरे प्यार में फिर लोग गिर जाते हैं। अभी तो तेरे प्यार में खुद ही गिर रहा है भाई तू। अब पानी पी। बहुत ही अशक्त हो रही होगी। अब शेर थक गया। अभिलाष शेर तो अभी नहीं बैठा था। अभिलाष बैठ जा भाई। उनके चश्मे में लगता है कुछ तो है। क्या हो सकता है? उसके चश्मे में जादुई पावर है। हैंड वी मेड टू दी ट्रैक एंड ऑल, गिरते पड़ते वी डिड इट। थैंक्स टू अभिलाष। अब नेक्स्ट ट्रिप भी लगाएंगे अभिलाष के साथ, मुझे तो ये रो रही है। लेकिन इसके 10 मिनट पे विश्वास नहीं करेंगे अपन। हम लोग बहुत थक गए थे, लेकिन फिर सोचा कि अगर उमरगांव आए हैं तो जब माउंटेन देख लिया तो बीच क्यों छोड़ना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी आ गए। घूमते हैं, संडे तो एक ही आता है। कुछ जगहों पे ना आपकी यादें बसी होती है। तो जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में थी तब हम लोगों को कॉलेज से दो ट्रिप हुई थी। एक ट्रिप हुई थी केवड़ी जो इको टूरिज्म स्पॉट है, और एक था उमरगांव। लेकिन तब उमरगांव काफ़ी क्लीन था, अभी टू बी ऑनेस्ट इतना क्लीन नहीं है। और तभी हमने ये डिस्कवर किया था यहाँ पे, तब तो उसका रीज़न भी मालूम हुआ करता था यार, अब तो मैं भूल गई। देयर विल बी बरोज ओवर हियर होंगे जहाँ पे विल फाइंड क्रीचर्स। इस तरह से यहाँ पे कोई तो भी रहता होगा, प्रोबेबली, नॉट श्योर। मैं भूल गई इसका रीज़न सर ने क्या बताया था यार, नाम लिख दो अपना।
अरे भागो। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। और उस दिन ना बहुत मज़ा आया था यार, गिरते पड़ते पहाड़ पे चढ़े, सब कुछ वर्स था, क्योंकि वो जो फाइनल व्यू था ना, वो जो पीस थी, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। पूरे स्ट्रगल के बाद एक फाइनल रिलीफ, जस्ट हाउ लाइफ इज। अदिति वापस से अपने घर चला गया और हमने भी वापस से बस ली। करंट सिचुएशन के मुताबिक ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से बस ही बेटर ऑप्शन था। और हमें सफर करना पड़ेगा, सफर करते करते सफर करना पड़ेगा।